हेलो व्यूअर्स, सिमेंटिक वेब सॉल्यूशन की तरफ से मैं अदील वर्डप्रेस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस। तो इसके लिए हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर होंगी हम लोग पहले उनको देखेंगे, उसके स्टेप्स देखेंगे। हमको वर्डप्रेस फाइल्स चाहिए होंगी और हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे अपने सर्वर में, और उस डेटाबेस के नेम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, और उस फोल्डर में हम लोग वर्डप्रेस की फाइल्स पेस्ट करेंगे। और नेक्स्ट जो भी हमारा स्टेप्स होंगे वो मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। चलें, चलें हम लोग ये अब वर्डप्रेस की फाइल्स डाउनलोड करते हैं। वो आप लोगों ने wordpress.org इस वेबसाइट पर जाना है। यहाँ से ये लिखा हुआ है डाउनलोड वर्डप्रेस, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने पहले ही करके रखी हुई हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट ये फाइल्स पड़ी हुई। हम लोगों ने क्या करना है, ये फोल्डर ओपन करके इसकी ये जो फाइल्स हैं इन को सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेना है। ये मैं आप लोगों को ऑफलाइन करके दिखाऊंगा, ऑनलाइन भी ऐसे ही होती है जो कि मैनुअल तरीके से होती है। आपको बाद में ऑटो भी बताऊंगा कि ऑटो कैसे होती है। तो ये करने के बाद आप लोगों ने अपने सर्वर में, मैं तो लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि ऑफलाइन सर्वर है तो लोकल होस्ट में जाता हूँ। यहाँ पे PHP में एडमिन, यहाँ पर डेटाबेस, और मैं यहाँ पर नेम रख लेता हूँ जी, फ़र्ज़ करें सिमेंटिक सिमेंटिक वेब। ये साइट पर सिमेंटिक वेब की डेटाबेस आ गई। अब मेरा यहाँ पे ये सर्वर इंस्टॉल है, सर्वर में गया, यानी कि मेन ये सर्वर, यानी कि जहाँ पर जी। तो हमने ये खोलिए, यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, वेब। अब इस फोल्डर के अंदर ये जो फाइल्स हमने वर्डप्रेस की कॉपी की हुई थी वो पेस्ट कर देंगे। जी, ये फाइल पेस्ट होगी। अब हम लोग दोबारा चलेंगे लोकल होस्ट, यहाँ पर ये रहा फोल्डर सिमेंटिक वेब, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तब ये हमसे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा। ये सबसे पहले हमने इसको कंटिन्यू कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज को भी वगैरह, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, और हम इसको लेट्स गो करेंगे। अब यहाँ पर वर्डप्रेस जो है, ये हम लोग यहाँ पर कोई भी अपना सिमेंटिक वेब भी लिख देते हैं। ठीक है, और ये यूज़र नेम जो जो है वो आपने अपने डाटा जो सर्वर है ना उसका यूज़र नेम लिखना है। तो इधर मेरे सर्वर और डेटाबेस का यूज़र नेम जो है रूट है, क्योंकि मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ। पासवर्ड कोई नहीं है, रिमूव कर दिया। होस्ट जो है लोकल होस्ट है मेरा, इसको मैंने सबमिट कर दिया। रन द इंस्टॉलेशन। अच्छा, तो ये तो हम लोग कर रहे हैं मैनुअल इंस्टॉल। अगर आप लोग ऑटो इंस्टॉल करेंगे ना अपने सर्वर परचेज़ किया हुआ है, तो सर्वर की जो cPanel होता है उसके लास्ट पर वर्डप्रेस का आइकन बना होता है। तो अगर आप ऑटो करना चाहें तो आप उस पर क्लिक करें, जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यही पेज में आएगा। तो आपने यहाँ पर साइट का टाइटल लिख देना है, लिखता हूँ सिमेंटिक वेब, यूजर नेम मैं इसका लिखता हूँ सिमेंटिक वेब भी, पासवर्ड मैं इसका
वो आप लोग कोई भी कर सकते हैं, ये तो लोकल कर रहे हैं। ईमेल में कोई भी, आप लोग तो ठीक लिखेगा, ये मैं कोई लिख रहा हूँ जो MS। तो ये इंस्टॉल होगी, हम लोग लॉगिन करेंगे। सिमेंटिक वेब, ये पासवर्ड है, 3 4 5 था, लॉगिन किया। ये हमारी वर्डप्रेस लॉगिन हो गई, और जो हमारी साइट दिखने में है वो है यस। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।